ओके ओके सो लेट्स गो। ये रहा हमारा ब्रेक। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इन अ न्यू वीडियो ऑफ एमटीवी राइडर अक्षत। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, इंस्टॉलेशन एंड अनबॉक्सिंग, या सॉरी सिर्फ अनबॉक्सिंग ऑफ शिमानो ड्यूअल ब्रेक्स। और आज हम लोग इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। और अभी जो मैं ब्रेक्स यूज़ करता हूँ, दीज आर स्रैम लेवल टी, पावरफुल ब्रेक है, इवन इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रेक्स है। बट मेरे को उन ब्रेक का परफॉर्मेंस कुछ पसंद नहीं आ रहा, नॉट बिकॉज कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, बट उसके अंदर का जो मॉड्यूलेशन है दैट इज़ नॉट दैट गुड। जैसा कि मेरे को लगता है कि शिमानो एमटी इसका होगा, एमटी बोल रहा हूँ मैं, शिमानो डियोर का होगा। वैसे बहुत गर्मी लग रहा है तो जल्दी से वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। एंड मेरा नाम है अक्षत, आई एम अ प्रोफेशनल क्रॉसकंट्री रेसर। अगर आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड दिस इज़ आर प्यारी XE500। Let's begin with the video of installation of new brakes on my MTV. Let's go. सबसे पहले मैं आपको brakes दिखा देता हूँ, because this is the thing. These are the new Shimano M6100. और like आज हम लोग इसे install करने वाले हैं। तो अभी ना, उससे पहले मैंने दोनों brakes purchase किए ना, इसलिए मेरे को right वाला lever right के लिए मिला है, and rear वाला रियर वाला लिवर रियर के लिए मिला है। सो मेक श्योर जब भी आप परचेस करो, जैसे दीज आर फ्रॉम लाइक, इसमें स्टैंडर्ड यूज़ होता है, जिसमें लेफ्ट साइड का ब्रेक जो होता है हमारे इंडिया में तो पीछे के लिए होता है, बट बाहर में द हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेक इज़ फॉर फ्रंट। सो मेक श्योर कि जब भी आप परचेस करो तो इसे ग्रुप सेट में परचेस करना, इसे सेट में परचेस करना, सो डैट आपको करेक्ट लिवर के लिए करेक्ट चीज़ मिले। एंड जैसा आप देख पा रहे हो, दीज आर द डियोर्स, मैं आपको एक बार एकदम इसे पास से दिखा देता हूँ। ओके, तो जैसा आपको देख पा रहा है, दीज आर द शिमानो डियोर M6100। इसे इंस्टॉल करते हैं। उससे पहले, सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, फ्रंट के ब्रेक को इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि हमारा फ्रंट का ब्रेक जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। एंड यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस फ्रंट का ब्रेक के लिए। आप देख पा रहे हो कि हमारे पास ये लीवर है, दिस इज़ द लीवर, द शिमानो डियोर M6100। यहाँ पे आना, इसके अंदर ब्लीडिंग वगैरह हर चीज़ क्लियर रखा है, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट हमें इसे निकालना है एंड जो हमारा होल है इसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसे जल्दी से इंस्टॉल करते हैं एंड उसके बाद आपको इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिखाते हैं।
आफ्टर यूजिंग द ब्रेक फॉर सम टाइम, अगर पावर की बात करें सो माई SRAM लेवल टी वॉज कंपेरेटिवली मोर पावरफुल, बट स्मूथनेस इस ब्रेक में काफ़ी ज़्यादा है. सो इन माई ओपिनियन, अगर आप SRAM लेवल टी से अपग्रेड करना चाह रहे हो देन डू इट फॉर द मॉड्यूलेशन. ओप्स, कुछ नहीं हुआ. फिर ओके, सो कहा थे, सो अगर कंपेरिजन करें फ्रॉम SRAM लेवल टी, सो जो हमारा डीओर है इट इज क्वाइट वीक. पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा तो ज़्यादा नहीं था, बट शायद रोटर के कारण हो रहा है. मेरे को रोटर भी चेंज करना पड़ेगा इन फ्यूचर. एंड द रीज़न वाई कि मैंने अभी सिर्फ फ्रंट का इंस्टॉल किया था, जस्ट टू सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ. अगर ज़्यादा और से डीओर का लीवर प्रेस करते तो वो अंदर से आता है, बट अगर SRAM का करते तो नहीं होता है. ऑल्सो द बिल्ड क्वालिटी SRAM का वॉज ज़्यादा बेटर, बिकॉज पूरा जो बिल्ड था वो एलॉय बिल्ड था, कास्ट बिल्ड था. इसमें जो लीवर है वो मे बी प्लास्टिक का है, आई डोंट नो, बट इट्स गुड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, राइड हार्ड एंड राइड सेफ. फाइनली.